अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि भाजपाइयों से आग्रह है कि वो तिरंगा यात्रा निकालें, दंगा यात्रा ना निकालें। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जो नेता हैं वो सामने आकर कह रहे हैं कि अखिलेश जी की आंखों पर दंगों का चश्मा लगा हुआ है। बात चश्मे की नहीं है, जिस भाव और भावना से तिरंगे का सम्मान किया जाता है, प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया लोगों से, हमारी पार्टी ने भी, चूँकि 75 साल खाली भारतीय जनता पार्टी की आज़ादी मिले नहीं हुआ है, देश को आज़ादी मिले 75 साल हुए, सब लोग उस पर खुश हैं और समारोह मना रहे हैं। हमारी पार्टी ने भी 9 अगस्त से झंडा घर घर लगाने का अभियान प्रारंभ किया, लेकिन अनुशासन के साथ में ये कार्यक्रम किया जाता है। झंडा पहले ही देशभक्ति और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। यदि कोई झंडे हाथ में लेकर के भद्दी गालियाँ दे रहा है, मारपीट कर रहा है, तो दंगा की ही श्रेणी में आएगा। चश्मा कोई लगा लो, लेकिन घटना जो होगी वही दिखाई पड़ेगी। यदि मैथानी जी के चश्मे से वो जो जिसको दंगा कहा जा रहा है वो दंगा नहीं दिख रहा हो, उनको कोई अनुशासित यात्रा दिखाई पड़ रही हो, तो मैं मैथानी जी को सलाह दूंगा कृपा करके एक अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ को अपना चश्मा दिखवा लें। तिरंगा यात्रा को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर एक बार फिर से निशाना साधा है। दरअसल कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे और उस दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। उसी जगह पर मौजूद हैं जहां का यह वीडियो बताया गया और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और उसके बाद अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया और साफ तौर पर लिखा कि भाजपाइयों से आग्रह है कि वो तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा ना बना दें। दंगा यात्रा पहले भी इस तरीके के जो आरोप है वो अखिलेश यादव के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए गए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव का जो चश्मा है वो हमेशा दंगा ही देखता है क्योंकि उनकी सरकारों में दंगे होते आए हैं, तो ऐसे में उनको दंगे की याद आती रहती है और शायद इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से इस तरह का ट्वीट किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने साफ तौर पर कहा है कि सुरेंद्र मैथानी जो अखिलेश यादव के बारे में कह रहे हैं तो उनको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, क्योंकि नेत्र रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की है उसमें अराजकता हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अराजक होकर के इन यात्राओं के आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, तो सियासत खूब गर्माई हुई है। तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी हर नागरिक को राष्ट्रभक्ति का ये कह सकते हैं कि रंग में रंगना चाहती है, डुबाना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद इस पर खूब और सियासत होने लगी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।